एक सवाल यह है कि इमाम साहब के बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सजदा नहीं कर पाते हैं। रुकू और क़याम जो है वो खड़े होकर करते हैं और सजदे के टाइम पर वो कुर्सी पर बैठकर सजदा करते हैं, तो क्या ऐसी हालत में इमाम के पीछे नमाज मुक्तदी की हो जाएगी या कुछ उसमें कमी बेसी आएगी? और उस दूसरा सवाल ये है कि वो मुक्तदी उस हालत में मतलब बैठकर ही नमाज पढ़ेगा या मुक्तदी खड़े होकर नमाज पढ़ेगा, क्योंकि तो इमाम की इक्तदा मुक्तदी की इक्तदा है। जजाकअल्लाह जी जजाकल्लाहु खैर। खैर जी शेख और अल्लाह हाँ जी बिस्मिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि कोई इमाम हैं जिनको कोई परेशानी है, माजूर हैं, वो खड़े होकर के इमामत नहीं करा सकते हैं, वो बैठ करके कुर्सी पे बैठ के या जमीन पे बैठ के किसी तरह से वो इमामत कराते हैं माजूर होने की वजह से, तो क्या उनका इमामत कराना सही है? क्या उनके पीछे लोगों का नमाज पढ़ना उनकी इमामत में सही है? ये इनका पहला सवाल है। दूसरा सवाल इनका ये है कि जब उनके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे तो क्या जिस तरह से वो बैठे हुए हैं हम भी बैठ के नमाज पढ़ेंगे, या ये कि हम खड़े होकर के नमाज पढ़ेंगे उस बैठने वाले इमाम के पीछे? ये दो सवाल हैं इनके। इसके जवाब में अर्ज ये है कि एक फकही कायदा है नमाज के सिलसिले में कि मन सहत सलातुहु सहत इमामतुहु इल्ला बिदलील। इसका इस जी कायदे का माना यह है कि हर वो शख्स जिसकी अपनी नमाज सही है उसकी इमामत भी सही मानी जाएगी, इल्ला ये कि कोई अलग से दलील आ जाए कि उसकी इमामत सही नहीं है। जिसकी अपनी नमाज सही है वो दूसरे की इमामत भी करवा सकता है, इल्ला ये कि कोई अलग से दलील आ जाए कि वो इमामत नहीं करवा सकता। इस कायदे की रोशनी में अगर इस मसले को हम देखेंगे तो बात बहुत वाजे तौर से हमारे सामने आ जाएगी। जो आदमी माजूर है ऐसे जी आदमी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत दिया है। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्ले काइमन फइन लम तस्तते फकाइदन फइन लम तस्तते फअला जंब, कि खड़े होकर के नमाज पढ़ो, खड़े होकर के इस्तेतात नहीं है तो बैठ करके पढ़ो, बैठ करके इस्तेतात नहीं है तो लेट करके नमाज पढ़ो। गोया कि बैठ करके नमाज पढ़ने वाले की नमाज सही है, लेट करके नमाज पढ़ने वाले की नमाज सही है हालते मजबूरी में। जब उसकी जी अपनी नमाज सही है तो इस कायदे की रोशनी में जो अभी मैंने जिक्र किया वो दूसरे की इमामत भी करवा सकता है। और इसकी इससे भी ये जो कायदा हमने बयान किया है इस कायदे की दलील क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरदुल मौत में वफात से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ करके लोगों की इमामत करवाई। सही हदीस है। जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार थे, आपने बैठ करके लोगों की इमामत करवाई, बल्कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले इमामत करवा रहे थे। जब आप पहुंचे तो आप इमाम बन गए, वो मुक्तदी बन गए और बाकी जो सारे लोग थे वो भी मुक्तदी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ करके इमामत करवाई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के नमाज पढ़ने से कासिर थे इसलिए आपने बैठ करके इमामत करवाई। गोया कि अगर इमाम खड़े होने से कासिर है तो बैठ करके लोगों की इमामत करा सकता है। तो ये मसला जी क्लियर हो गया कि कोई आदमी बैठ करके दूसरे लोगों की इमामत करा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई बैठ करके इमामत करवा रहा है मजबूरी की बुनियाद पर, तो क्या उसके पीछे हम खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे या बैठ करके नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बहुत वाज़े अंदाज में इस बारे में कि अगर तुम्हारा इमाम बैठ करके नमाज पढ़ रहा है, फसल्लू कुउदन अजमईन, ये हदीस के अल्फाज हैं, अगर जी वो बैठ करके इमामत करवा रहा है तो तुम सारे लोग बैठ करके नमाज पढ़ो उसके पीछे। तो अगर इमाम इमामत आपकी बैठ करके करवा रहा है तो आप बैठ करके ही उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम की इत्तेबा करना जरूरी है। जब इमाम नमाज की इत्तेदा ही से बैठा हुआ है तो ऐसी सूरत में आप भी बैठ करके उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। एक दूसरी चीज बतौरे फायदा, ये सवाल का जवाब यहां पे कंप्लीट हुआ। जी एक दूसरी चीज इसी मसले से मुताल्लिक कि अगर
ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, आपको कोई इमाम नहीं मिल रहा है दूसरा, कोई दूसरा इमाम नहीं मिल रहा है, सिर्फ वही आदमी मिल रहा है इमामत के लिए जो कि आजिज है खड़े होने से, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दूसरे लोग वहां मौजूद हैं जो इमामत करवा सकते हैं खड़े होकर के, और जो इमामत के मुस्तहिक हैं, इमामत के लिए जो औसाफ होने चाहिए वो पाए जा रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर ये है। ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाजिब है, ज्यादा बेहतर ये है कि ऐसे आदमी से को आप इमाम बनाएं जो बाकायदा नमाज के जितने भी तमाम अरकान को उनकी असली कैफियत में अदा कर सके, आप ऐसे आदमी को इमाम बनाएं। लेकिन अगर मजबूरी है तो कोई मसला नहीं है, और अगर मजबूरी नहीं है तब भी आप किसी बैठ करके नमाज पढ़ने वाले को इमाम बना सकते हैं। अलबत्ता अफजल ये है कि ऐसा इमाम इख्तियार करें जो खड़े होकर के और सही सालिम अंदाज में आपको इमामत करा सके। जी भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। मजीद कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं शेख से। जी शेख, मैं ये पूछ रहा था उसमें सजदा नहीं करते, सजदा जो अहम रुकून है तो उसमें कोई नमाज में तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, बाकी तो वो खड़े होके पढ़ा लेते हैं, रुकू भी करते हैं और सीने पे हाथ जो बांधते हैं वो खड़े होकर ही करते हैं, सिर्फ जो है सजदे के लिए कुर्सी पे बैठ के करते हैं बस। जी एक साथ क्या रहते हो? जी देखिए शेख अरशद, जब इन्होंने सवाल किया था तो सवाल इनका थोड़ा इससे मुख्तलिफ था, अब सवाल के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लाए हैं। मैं आपको बता देता हूँ शेख, जो असल जो समझ गया जी, असल जो बात यही थी कि उनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो नमाज कयाम खड़े होकर के करते हैं, रुकू भी करते हैं, सजदे में सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब देखिए ये सवाल मुख्तलिफ हो गया, इसलिए इसमें जवाब जी 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 देखिए, जो आदमी नमाज का बाज हिस्सा तो ठीक ठाक असली हालत में अदा करता है, लेकिन नमाज के बाज हिस्से ऐसे हैं जिनको असली कैफियत में अदा नहीं कर पा रहा है। जैसे ये आपने बताया कि कयाम तो ठीक ठाक खड़े होकर के वो कर लेते हैं, उनको रुकू करना होता है या सजदा करना होता है तो उनको झुकने में परेशानी है, ऐसी सूरत में वो बैठ जाते हैं कुर्सी पर, है ना, गोया कि जब नमाज की इब्तिदा करते हैं तब वो खड़े होते हैं, कयाम वो कर लेते हैं। ऐसे आदमी का हुक्म थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले वाले से। जहां तक उसके पीछे नमाज पढ़ने का मसला है तो नमाज सही है, उनके सवाल में दो जुज का जवाब मैंने दिया, पहला जुज सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो दूसरा जुज है कि उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ना है, उसमें फर्क है। अगर कोई आदमी, कोई इमाम मजबूरी की वजह से नमाज पढ़ाने की इब्तिदा बैठ करके कर रहा है, नमाज की इब्तिदा ही बैठ करके कर रहा है वो, तो ऐसे आदमी के पीछे आप बैठ करके ही नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो नमाज की इब्तिदा खड़े होकर कर रहा है लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से बाद में उसे बैठना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में जो मुक्तदी हैं वो सारे लोग खड़े होकर के ही नमाज पढ़ेंगे। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस है जो मैंने अभी जिसकी तरफ इशारा किया। देखिए उस हदीस में क्या है कि अल्लाह के सहाबे कराम को अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत करवा रहे थे, दरमियान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर के इमामत उस वक्त नहीं करवा सकते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के इमामत करवाने लगे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके इमामत करवाने लगे तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल ही में बैठ करके उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ने लगे, और जो पीछे जितने सारे लोग थे उन लोगों ने खड़े होकर के भी अपनी अपनी नमाज को कंप्लीट किया। यहां पर वजह इस्तदलाल क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो नमाज पढ़ रहे थे, और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जब उन्होंने नमाज शुरू किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज की इब्तिदा बैठ करके ही शुरू किया, इसलिए वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ करके उन्होंने नमाज पढ़ा। बाकी जो दूसरे पीछे जो दूसरे मुसल्लीन थे वो दूसरे मुसल्लीन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इब्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे, जैसा कि शुर्राह हदीस ने और फुकहा ने लिखा है।
और चूंकि उन्होंने नमाज की इब्तिदा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे खड़े होकर शुरू किया था, इसलिए उन्होंने खड़े होकर के ही कंप्लीट किया। तो खुलासा ये कि अगर इमाम नमाज की इब्तिदा बैठ करके करता है तो आप बैठ करके उसकी इत्तिबा करेंगे। अगर इमाम शुरू में खड़े होकर के नमाज शुरू कर रहा है, बाद में किसी मजबूरी की वजह से बैठना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में आप अपनी नमाज खड़े होकर के ही कंप्लीट करेंगे।